जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ पर शुभमन गिल और हनुमा बिहारी के विकेट के बाद विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा ने यहाँ पारी को संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने तो यहाँ पर दोस्तों इतिहास रच डाला कई सालों बाद। आखिरकार कैसी रही इन दोनों ही खिलाड़ियों की आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और चितेश्वर पुजारा से कौन है एक अच्छा बल्लेबाज, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के पहले तो गेंदबाजों ने रौंदा और फिर बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप दिखाया। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ जॉनी बेस्ट्रो और बेन स्टॉक्स मैदान पर बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड की तरफ से उतरे थे। हालांकि दोस्तों इस दौरान जॉनी बेस्ट्रो जहाँ 106 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं बेन स्टॉक्स ने 36 रन की पारी खेली। हालांकि फिर इंग्लैंड की टीम का कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी खेल नहीं पाया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 288 रन बना सकी और यहां से इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर कुल मिलाकर 132 रनों की बढ़त हासिल हुई। तो वहीं दोस्तों फिर जब भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां पर भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे शुभमन गिल और चितेश्वर पुजारा, जहां एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीदें थी कि आज के इस मुकाबले में ये अच्छी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल आज जेम्स एंडरसन की गेंद पर जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके चलते शुभमन गिल आज के इस मैच में अच्छी पारी खेलते। उससे पहले ही उनका विकेट जेम्स एंडरसन ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर झटका दिया और शुभमन गिल 3 गेंदों में मात्र 4 रन ही बना सके। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल की इस पारी के बाद मैदान पर उतरे हनुमा बिहारी, जहां चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी के बीच में हम सभी को एक अच्छी साझेदारी निभती हुई नजर आई। दरअसल दोस्तों इस दौरान चितेश्वर पुजारा ने जहां टी ब्रेक तक 39 गेंदों में 17 रन बनाए थे तो वहीं हनुमा बिहारी ने 37 गेंदों में 10 रनों की पारी खेली थी और टी ब्रेक तक भारतीय टीम को 169 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों फिर जब टी ब्रेक समाप्त हुआ उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए। हालांकि दोस्तों उम्मीदें तो ये लग रही थी कि चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी जरूर आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर जरूर टीम के स्कोर को 100 या फिर 150 के पार लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका। दरअसल चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी शानदार लय में चल रहे थे और अभी तक खबर बोले जाने तक भारतीय टीम ने एक ही विकेट अपना गवाया है और इस दौरान चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी के बल्ले से हम सभी को ताबड़तोड़ रन बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी आप सभी यहां पर देख भी सकते हो कि अगर चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी ने लाइव स्कोर बोले जाने तक कितने कितने रन बना लिए और अगर चितेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी आउट होंगे तो उनके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का आना भी अभी बाकी है और इन बल्लेबाजों से भी एक बार फिर से पहली पारी जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है कि पांचवा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत की टीम या फिर इंग्लैंड की टीम? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।